हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आपको बता दें कि आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिखा होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक माना जाता है इसे, और राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है। उनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है, उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही भारत में कोई भी कानून लागू होता है। आपको बता दें कि इसमें जब इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो 50 सदस्य मनोनीत करते हैं और 50 अन्य सदस्य एक पर्सन को जो राष्ट्रपति पद के लिए होता है उसे समर्पित करते हैं। जमानत राशि 15,000 है। इसके लिए चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद MLA मतलब निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति शामिल, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और 56 आर्टिकल में राष्ट्रपति की पदावधि। अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और 57 अनुच्छेद में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, और 58 आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। इसमें मतलब 35 साल से ऊपर होना चाहिए एज, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, और 61 अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, और 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रिक्तियों से संबंधित है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें। राष्ट्रपति नियुक्ति PM, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ अभी तक के 2019 तक राष्ट्रपतियों की संख्या देख लेते हैं कौन कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, ठीक। इनका जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इनकी मृत्यु हुई 13 मई 1962 में, ठीक। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। दूसरे हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। इनका कार्यकाल है, सॉरी दोस्त, कार्यकाल दिया गया हुआ है, इसी में टर्न ओवर है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, सॉरी। और ये रहे हैं 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, इसी दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया। अब तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल रहा है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक, 3 मई 1969। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था इनकी मृत्यु के वक्त। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे डॉक्टर। मोहम्मद हिदायतुल्ला को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए
याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिक स्थापित किया गया था। चौथे हमारे बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराह गिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्की की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और 1975 में उनको भारत रत्न दिया गया था, सम्मानित किया गया। अगले हमारे फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1970 तक। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हुई थी, रहते हुए हुई थी। और बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था इनके बाद। नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं छठवें। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 तक। भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीद बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। अगले हैं सातवें ज्ञानी बैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ये पहले राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। भारतीय डाक घर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट बिटो का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अगले हैं आठवें हमारे आर वेंकट रमन भारत के आठवें राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी शपथ पद की शपथ दिलाई थी। नौवे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के नौवे राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1952 से 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। वे ये अपने राष्ट्रपति से पहले भारत के आठवें उपराष्ट्रपति थे और 1952 से 56 तक विभाग भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रैंकिंग दिया था। दसवें के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। के आर नारायण, इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1957 से 97 से 25 जुलाई 2002 तक। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ है। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले, राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पहले वैज्ञानिक हैं। इनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन से नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह अग्नि पृथ्वी मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 12वीं है हमारे श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनने वाली भारत की।
कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी और 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी है। अगले हैं प्रणब मुखर्जी तेरे, जिनका कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री पद पर भी रहे। वो उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार और एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 14वें हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वह एक वकील और राजनेता भी है। वे भारत के 14वें वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए